हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज आप ये जो देख रहे हैं ना, रेसिपी बहुत ही यूनिक है, गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये है मैगी के पकोड़े। सुनकर थोड़ा अजीब लग सकते हैं, लेकिन टेस्ट में बहुत अमेजिंग है। तो ज़्यादा बातें करे बिना आपको बताती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले आप ले लीजिए 2 पैकेट मैगी के और उसे ऐसे क्रश कर दीजिए हाथ से। इस काम में मुझे पर्सनली बड़ा मज़ा आता है, ऐसे जब चीज़ों को क्रश करने का मौका मिलता है। तो मैंने 2 पैकेट मैगी ली है, उन्हें अच्छे से हम क्रश कर देंगे। तो एक पतीली में ले लेंगे। तो देखिए, अच्छे से मैंने क्रश कर दिया मैगी। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो इतना पानी डालना है कि जो हमारी मैगी अच्छे से डूब जाए। अभी जो मैंने पानी डाला वो थोड़ा सा कम रह गया, तो मैंने बाद में इसे और ऐड कर दिया था पानी। तो अब थोड़ी देर में मैं और ऐड कर दूँगी पानी, आप देख सकते हैं। तो गैस ऑन करके इसे अच्छे से चला देंगे और हमें सिर्फ एक बॉयल आने तक इसे पकाना है। देख सकते हैं आप, एक बॉयल आ गया, मैंने सारा जो पानी था वो फेंक दिया। और उसके बाद थोड़ी देर इसे ठंडा कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, कच्ची पक्की है हमारी मैगी, लेकिन एक बॉयल में जितना हमें चाहिए उतना मिल जाएगा। और ठंडी कर लेंगे थोड़ी सी। ठंडी होने के बाद अब आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो इसमें डालेंगे प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने काट कर डाल दिया इसमें। और उसके बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, तो मैंने 2 हरी मिर्ची डाली है इसमें। और इसके बाद इसमें डालेंगे हरा धनिया। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले, जैसे कि रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। अब ये मैगी के अंदर जो टेस्ट मेकर निकलता है ये वो है। तो 2 पैकेट मैगी ली थी, तो 2 पैकेट ही टेस्ट मेकर डालेंगे इसमें। देखिए, ये दोनों डाल दिया मैंने। और इसके बाद इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, ये है मैगी मसाला। तो 1/2 पैकेट हम मैगी मसाला इसमें डालेंगे। और ट्रस्ट मी दोस्तों, इतने यमी बने थे ना। लेकिन बस एक चीज़ है कि आपको इन्हें गरम गरम खाना है तो ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे बेसन। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच बेसन यूज़ किया है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए, जब आपको लगे कि आपको पानी की ज़रूरत है आप तभी इसमें पानी ऐड करिए, क्योंकि पहले अच्छे से आप मिला के देख लीजिए। अभी देखिए, मुझे लगा थोड़ा सा जो बेसन है वो ड्राई है, तो यहाँ पर मैंने हल्का सा पानी डालकर इस मिक्सचर को ठीक किया। और ज़्यादा पतला नहीं करना आपको, क्योंकि हम पकौड़ा ही बना रहे हैं। इसके बाद मैंने इसे टेस्ट किया, क्योंकि इतने सारे मसाले यूज़ किए थे तो मुझे लगा नमक की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन बहुत हल्के से नमक की ज़रूरत थी तो मैंने इसमें डाल दिया वो नमक। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब हम हाथ से ऐसे इसको राउंड शेप दे देंगे। वैसे आप इसे डायरेक्ट भी तल सकते हो, मैंने अभी कढ़ाई में तेल रख दिया गर्म होने के लिए, वो गर्म हो रहा है, तब तक मैं ये वाला प्रोसेस कर रही हूँ अपना। तो आप चाहो तो आप इसे डायरेक्ट भी तल सकते हो, ये बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन मुझे तो कुछ यूनिक ट्राई करना था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मैगी और ली मैंने, कच्ची मैगी है ये, और इसको क्रश कर लिया जैसे अभी मैंने बाकी मैगी की थी, और फिर इसमें लपेट दिया इसको। तो क्या होगा ना, अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगा और बाहर से एकदम क्रिस्पीनेस आएगी, तो मज़ा आएगा। मतलब ओवरऑल आपको, अगर आप चाहे तो आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, वरना ऐसे करके देखिएगा, ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथ में, रोल बनाएंगे, और उसके बाद ये जो कच्ची मैगी हमारी उसमें से लपेट देंगे अच्छे से। तो देखिए, बहुत आसान है इस रेसिपी को बनाना। ऐसे ही आप अपने सारे जो पकौड़े हैं वो बनाकर तैयार कर लीजिए। और देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैंने तेल गरम होने रख दिया है, तो तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। अब एक एक कर जो हमारे पकौड़े हैं वो उसमें डाल देंगे। आप इसे मैगी बॉल्स भी कह सकते हैं, वैसे पकौड़ा कम बॉल्स ज़्यादा लग रही है ये। तो अब इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छा से एक गोल्डन कलर आने तक इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे, दोनों साइड से पका लेंगे। और देखिए, मैगी ऑलरेडी हमारी पकी हुई है, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो आप मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो देखिए, कितना प्यारा कलर जो है इस पर आ चुका है। और ये जो ऊपर वाली लेयर आपको दिख रही है ना, इतनी ज़्यादा क्रिस्पी है ना, बहुत मज़ा आएगा आपको। मैंने पर्सनली अपनी फैमिली के साथ इसे इंजॉय किया था चाय के साथ। आप चाहें तो चटनी के साथ कर सकते हैं, या कोई डिप बना सकते हैं आप। तो ओवरऑल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बरसात हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना बरसात में पकौड़े बनते ही, लेकिन कुछ नया ट्राई किया जाए। अब इसे निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पे, और अब आप इसे कर सकते हैं सर्व। तो मैंने तो इसे चाय के साथ खाया, जैसा मैंने आपको बताया, अपनी फैमिली के साथ। आप भी इसे इंजॉय करिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।